नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है 4SD एकेडमी में। एग्रीकल्चर TGT व PGT व कृषि संबंधी जो भी एग्ज़ाम है, चाहे FCI हो, चाहे IBPS मेंस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कृषि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कृषि मेन सब्जेक्ट के रूप में होता है, उसके लिए हम लेके आए हुए हैं। टॉपिक चल रहा है पशुपालन, चल रहा है पशुपालन में बिहारी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं प्लेग के बारे में। खुरपका मुँहपका रोग हो गया, गला घोंटू हो गया, आज हम बात करते हैं पशु प्लेग। ये क्या है? पशु का बहुत ही भयानक संक्रामक रोग है। गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, किसके कारण होता है? कारण क्या है? विषाणु के कारण फैलता है। विषाणु के कारण होता है और छुआछूत। छुआछूत के कारण फैलता है। DGTV का टीका लगवाएं। इसका टीका लगवाएं, DGTV का टीका पशु प्लेग के लिए अवश्य लगवाएं, और विषाणु के कारण फैलता है। पशु को बचाने के लिए सल्फ इंजेक्शन द्वारा लगाया जा सकता है। मतलब पशु को बचाने के लिए 23.5 सल्फा मैजाथीन और सोडियम का इंजेक्शन लगाएं। तीन गोली, फिर दो गोली। रोग को रोकने में सहायक होती है। होती है ये क्या है कि हमारा पशु प्लेग हो गया। पशु प्लेग के कारण क्या है? वायरस के कारण होगा। कैसा है? छुआछूत का ये रोग है। और इसके बचाव के लिए क्या करेंगे? 33.5% सल्फा मैजाथीन
और सोडियम का इंजेक्शन लगाया जाए, इससे भी राहत मिल सकती है। और मेजाथीन का प्रथम बार 5 ग्राम 5 ग्राम 5 गोली 3 ग्राम एंड ओ सॉरी 3 गोली और ये 2 गोली, ये क्या है सेकेंड टाइम है और ये क्या है थर्ड टाइम। प्रथम बार 5 ग्राम की 5 गोलियाँ, दूसरी बार 5 ग्राम की 3 गोलियाँ, तीसरी बार 5 ग्राम की 2 गोलियाँ और दिया जाएगा तो रोग को रोका जा सकता है। थनैला रोग ये क्या होता है दुधारू पशु के आयन का मुख्य रोग है। जो क्या होता है जीवाणु द्वारा फैलता है। यह रोग 7 भैंसों में तथा 43% 7 गायों में पाया जाता है। कारण रोग का कारण स्ट्रेप्टोकोकाई फ्यूजी फॉर्मिस नेक्रोफोरस कामा माइकोबैक्टीरियम कामा क्लोसिस ट्यूबर क्लोसिस द्वारा फैलता है। निदान कैसे होगा निदान स्ट्रिप जांच द्वारा करते हैं। एम्पिसिलिन
सिलीन स्ट्रेप्टोमाइसिन टेरामाइसिन क्या कह रहा है कि भैया ये रोग क्या है कि गाय जो है दूध देने वाली जो गाय है दुधारू पशु भैंस है उसके मुख्य रोग क्या आयन में फैलता है। किसके द्वारा फैलता है पूछा जाएगा। थलाइना रोग किसके द्वारा फैलता है ऑप्शन बैक्टीरिया फंगी प्रोटोजोआ वायरस है। ऑप्शन क्या रहा सही होगा जीवाणु। जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया। यह रोग 20.7% क्या है भैंसों में तथा 43.7% गायों में पाया जाता है। रोग का कारण क्या है स्ट्रेप्टोकोकाई फ्यूजीफार्मिस नेक्रोफोरस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरोसिस द्वारा फैलता है। निदान इसका निदान कैसे करें स्ट्रिप जांच द्वारा करते हैं। क्या है एम्पीसिलीन स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन का उपयोग करके इसका निदान किया जा सकता है। यह रोग प्रायः सभी अधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है। ब्याने के 2 से 7 दिन में हो जाता है। यह रोग कैल्शियम की कमी से होता है। लक्षण कान पैर थन ठंडे हो जाते हैं। पशु क्या होता है बेचैन हो जाता है। तथा कभी बैठता है
पशु की नाड़ी नाड़ी पशु की नाड़ी गति बढ़ जाती है। सांस लेने में पीड़ा होती है। प्रायः यह रोग अधिक दूध देने वाले पशु में होता है। ब्याने के दो से सात दिन में हो जाता है। यह रोग कैल्शियम की कमी किसके कारण पूछेगा दुग्धजार किसके कारण अक्सर पूछा जाता है ये अक्सर पूछा जाता है कि दुग्धजार किसके कमी से होता है, तो क्या है, कैल्शियम की कमी से। इसके लक्षण क्या है, कान पैर थन ठंडे पड़ जाते हैं, पशु बेचैन हो जाता है, कभी उठता है कभी बैठता है, क्योंकि उसको दर्द बना रहता है। उसकी नाड़ी गति है वो क्या है बढ़ जाती है, और क्या है उसको सांस लेने में भी पीड़ा या समस्या होती है। उपचार पशु को 25% वाले कैल्शियम इंजेक्शन देना चाहिए। मतलब क्या है कि इंजेक्शन लगा देना चाहिए, दूध सारा क्या है कि दूध जो सारा है वो निकाल लेना चाहिए। पशु है उसमें जो दूध है उसके कूपनों पे भाव होगा, उसको सारा निकाल लेंगे। निकालने के बाद उस पर क्या करेंगे कि हवा डालेंगे, साइफन के द्वारा उसमें हवा भर देंगे उसके थनों में और टेप लगा देंगे। उस क्या करेंगे टेप लगा देंगे। आयन में हवा भर गया, इसके बाद ठीक से मलेंगे तो उससे क्या होगा कि जो कैल्शियम है उसका प्रचार ब्लड के साथ पूरे शरीर में हो जाएगा।